नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार में लगातार घमासान चल रहा है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चीजें तो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, सब सुलझ गया है, लेकिन इसी बीच कई ऐसी चीजें हुई जहां उद्धव ठाकरे की बाजी पलट गई, मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार पलट गई और उद्धव ठाकरे से ही बगावत कर रहे एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। लेकिन इसी बीच जहां दोनों अलग हो गए, यानी कि एकनाथ शिंदे के बगावत करने के बाद एमवीए सरकार एमवीए पूरी तरीके से गिर गई, जो एमवीए का गठबंधन था वो गिर चुका है। लेकिन इसी बीच अब विधायकों की तरफ से कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जहां विधायकों की ये मांग है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ मिलकर अब काम करें, उनकी बॉन्डिंग बन जाए, वो साथ मिल जाए। इस तरह की बैठक सामने आई, उद्धव ठाकरे के साथ भी बैठक हुई जहां उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी कुछ कहा, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी रखी, लेकिन क्या कहा फिलहाल अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है। लेकिन इसी के साथ एकनाथ शिंदे से भी एक न्यूज चैनल के द्वारा जब सवाल किया गया कि अगर आपको मौका मिले कि सरकार को उद्धव ठाकरे के साथ आगे बढ़ाया जाए या गठबंधन किया जाए, तो क्या आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे ने शुरुआत की, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि विधायकों की मांग आ रही है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ सवाल उठता है। और इस बीच एकनाथ शिंदे ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। एकनाथ शिंदे ने इस पर बात की और कहा कि अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमारे 50 विधायक इस पर कोई निर्णय लेते हैं, अपनी कोई राय रखते हैं, तो हम जरूर इस पर विचारधारा करेंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले को अपने विधायकों पर छोड़ दिया, कहा कि हम अपने 50 विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसमें उनकी जो भी राय होगी हम वैसा ही करेंगे। अब चाहे वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलन क्यों ना हो, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके उनके साथ कई नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर एकनाथ शिंदे ने अलग सरकार खड़ी की है देवेंद्र फडणवीस का साथ लेके। लेकिन इसी के बीच बीजेपी का बड़ा दावा सामने आ रहा है, जहां वो शिवसेना पर दावा कर रहे हैं कि शिवसेना के 12 विधायक अभी भी हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, 12 सांसद हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इसी बीच जो है एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे क्या एक साथ आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से अब ये विधायकों के सामने से मांग सामने आ रही है, क्या अब ऐसा होगा। लेकिन अगर एक साथ हो जाते उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे तो माहौल कुछ अलग ही होगा। इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि अभी हम महाराष्ट्र में इस सरकार को काफी स्ट्रांग बनाने वाले हैं, सरकार का जो काम होगा वो देखने वाला होगा, महाराष्ट्र की जनता के लिए अब हम कुछ अलग ही लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से वादे पूरे कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, क्या उनको पूरा कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। 20वें मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं, लेकिन किस तरह से अपनी इस ड्यूटी को निभा पाते हैं उसका इंतजार रहेगा। लगातार इसी अपडेट के साथ वापस लौटेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।